हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन्ग हेयर क्वीन। आज हम बनाने वाले हैं होम रेमेडी DIY हेयर मास्क। इसके लिए हमें मेथी दाना ले लेना है, उसे अच्छे से धो कर के ओवरनाइट के लिए भिगोकर छोड़ देना है और सुबह उसे मिक्सी जार में डालते हुए उसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। और फाइन पेस्ट तैयार कर लेने के बाद हमें इसके अंदर दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर हेयर ऑयल यूज़ करेंगे। आप कोई भी फेवरेट हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस हेयर मास्क को हमें अपने बालों की स्कैल्प पर, हेयर लेंथ पर अप्लाई करना है। ये हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो मेथी दाना है ये हमारे हेयर में शाइनिंग लाता है, हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करता है और दही हमारे बालों में शाइनिंग लाती है। और इसे हमें अपने बालों पर अच्छे से लगा करके कोई भी कपड़ा लपेट लेना है या फिर आप कोई भी शावर कैप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस मास्क को लगाते हुए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है अपने बालों पर। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा छोड़ते हैं तो ये मेथी आपके बालों में चिपक जाएगी और इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे आपके हेयर फॉल हो सकता है। तो इसे सिर्फ 15 मिनट छोड़ना है और उसके इसे यूज़ करने के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मेरे बाल कितने ज़्यादा सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ हो गए हैं। आप इस हेयर मास्क को वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं या फिर मंथ में दो बार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बालों में, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बालों से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है बालों से रिलेटेड तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं।